ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में भी बिल पारित होने के फैसले से हमीरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग गदगद हैं। हमीरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ट्रिपल तलाक पर बने कानून पर खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को बधाई दी है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में मोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में भी बिल पारित होने के फैसले से हमीरपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग गदगद हो गए हैं। हमीरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ट्रिपल तलाक पर बने कानून पर खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अहम फैसले को दिए जाने पर बधाई दी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी मोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। ट्रिपल तलाक के फैसले पर पप्पू कुमार का कहना है कि ट्रिपल तलाक पर कानून बनाए जाने से सदियों से दंश झेल रही महिलाओं को निजात मिलेगी और अब कानून के दायरे में रहकर ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। तीन तलाक का जो फैसला कल राज्यसभा में पारित और पास हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। जो मुस्लिम बहनें यानी कि इसका जो दंश झेल रही थी उससे ऊपर निकले और संघर्ष कर रही थी वो बिल्कुल कामयाब आखिर में वो कामयाब हुआ है और इससे उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है ये। युवती ने बताया कि मुस्लिम बहनों को आज न्याय मिला है क्योंकि सालों से इस बुराई को महिलाएं झेल रही थी। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने काबिले तारीफ काम किया है। मोदी सरकार ने अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले से लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर बने कानून से मुस्लिम समाज के लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि काफी सालों से इस कानून को लेकर मांग की जा रही थी। ये फैसला बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। सबसे पहले जी मैं मोदी सरकार का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए इतना अच्छा सोचा और मुस्लिम बहनों को इससे बहुत बड़ा न्याय मिला है। वो कई सालों से इस चीज़ को इस बुराई को वो झेल रही थी और जिसका आज अंत हो गया। और ये एक मोदी सरकार का जितनी भी इस चीज़ के लिए तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और हर किसी इंसान को स्वतंत्रता के साथ जीने का हक है जो आज हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिली है। मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ कि उनको आज इतनी बड़ी खुशी मिली है। बहुत समय से चल रहा था ये ना विवाद, बहुत अच्छा हुआ ये कौन था ना, अब राज्यसभा में इसका अंत हो गया, अब मिलनों के लिए अब अच्छा हो गया। इसके ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक हमारी सोच है तो हमारी सोच ये है कि हम तहे दिल से बहुत खुश हैं इस विचार को जो मतलब ये मुद्दा रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से चला हुआ था तीन तलाक का, तो उसके ऊपर काफ़ी खुश हैं। और मैंने काफ़ी मतलब सुना भी और देखा भी कि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश है इस विचार से, जो ये बिल था जो पास हुआ इसमें काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट है। और हम अपने तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और ये आने वाले समय में जो महिलाओं को जो दिक्कत परेशानी आ रही थी, आने वाले समय में जो है इस दिक्कत परेशानी से जो काफ़ी छुटकारा मिलेगा महिलाओं को, जो मतलब काफ़ी समय से इस तीन तलाक के मुद्दे जैसे इस पर मतलब जो उनको परेशानियाँ आ रही थी कि ऐसा हो रहा है कि तीन जैसे तीन बार बोल रहे हैं कि तलाक 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 और तलाक हो गया, तो उसके ऊपर जो मोदी जी ने कानून बनाया है उसको मतलब बहुत ही बढ़िया और अच्छा फैसला है। काफ़ी खुश हैं, पब्लिक भी काफ़ी खुश है और बेसिक जो मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं, हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो हम अपने तरफ से और मतलब बेसिक हिमाचल भी काफ़ी खुश है और हम तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।